1 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद की 7 सीटें रिक्त हो जाएंगी। इसमें नागपुर में स्थानीय स्वशासन निकाय की 1 सीट शामिल है। कलेक्टर विमला आर ने बुधवार को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर आचार संहिता का पालन सख्ती से करने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिले में सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होगा, साथ ही किसी भी मंत्री स्तरीय बैठक में सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होंगे और किसी भी मंत्री को जिले में बैठक करने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना स्थानीय निकायों की अत्यावश्यक बैठकें भी नहीं की जा सकती। इस दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक घोषणा, सरकारी कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की जा सकेगी। निधि से कोई नया काम नहीं हो सकेगा। इस संबंध में होने वाले खर्च पर जिला माध्यम प्रमाणन एवं निगरानी समिति का नियंत्रण होगा। सोशल मीडिया पर अनाधिकृत प्रचार, बल्क SMS जैसी सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। विधान परिषद चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिए जाने की जानकारी जिलाधिकारी आर विमला ने दी। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी मतदान संघ के लिए चुनाव में 614 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सभापति मतदान करेंगे। प्रचार खर्च के बारे में भले ही कोई स्पष्टता ना हो, लेकिन प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी। मतदार संघापैकी जे 6 जागा आहेत, त्यापैकी आज आपलं नागपूर मतदारसंघाचंही निवडणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये समावेश झालेला आहे आणि त्याचं कार्यक्रम पत्रिकासुद्धा आलेली आहे। तर 16 नोव्हेंबरपासून जी अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे आणि 23 नोव्हेंबरपर्यंत नामनिर्देशन ज्यांना कोणाला करायचं असेल, नॉमिनेशन फॉर्म भरायची तारीख आहे, त्याची छाननी 24 नोव्हेंबर रोजी करण्यात येईल आणि मग अर्ज जर कोणाला मागे घ्यायचं असेल तर 26 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना मुदत आहे मागे घेण्यासाठी। मतदानाचा दिनांक 10 डिसेंबर 2021 आहे। मतदानाची वेळ ह्याच्यामध्ये फक्त 8 ते 4 आहे, सकाळी 8 ते दुपारी 4, सायंकाळी 4 पर्यंत। आणि मतमोजणी जर इलेक्शन झाले तर मग 14 डिसेंबर 2021 मंगळवार रोजी आहे। अशा प्रकारे कार्यक्रम आखून आलेला आहे। या संदर्भात आम्ही आज सकाळीसुद्धा जे पॉलिटिकल पार्टीजची बैठक घेऊन त्यांना इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे। याच्यासाठी मतदार यादी जी बनवायचं असतं, यामध्ये विशेषतः लोकल बॉडीज असल्यामुळे आपल्या नागपूर महानगरपालिका आहे, त्यानंतर आपल्या ज्या नगर परिषदा आहेत, नगर पंचायत आहेत आणि जिल्हा परिषदच्या ज्या सदस्य आहेत त्यांच्या यादी आमच्याकडे लवकरच आज प्राप्त होऊन जाईल आणि मतदार यादी आम्ही फायनल करून घेऊ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।